आज जो एक अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया था संडे की मॉर्निंग को, उस हवाले से हमने एज ए डिपार्टमेंट ये सोचा कि आवाम को एतमाद में लें और उन्हें बताएं कि ये जो वाकया हुआ था ये वन ऑफ एक वाकया है, और ये चंद जो हैं हमारे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया, दे आर द बैड एक्टर्स, द रॉटन वंस। और इस कपल जिसको उन्होंने पहले सी व्यूज पे डॉलमेन मॉल के पीछे एक्सट्रॉट करने की कोशिश की और उन्होंने इनकी वीडियो बनाई और वायरल हुई, बल्कि वायरल होने से पहले हमें पता लग गया था क्योंकि उन्होंने हमें रिपोर्ट कर दिया था, हमने इंक्वायरी की और उसमें तीन बंदे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उसमें एक ऑफिसर था जो जिसका नाम ASI जुल्फिकार है, ही हैज नथिंग टू डू विद द साउथ पुलिस। वो यहाँ पर पहले बोर्ड बेसिन थाने पर एज पेट्रोल ऑफिसर था, इन्हीं वजूहत की बुनियाद पर उसको ट्रांसफर किया, उसको सजा दी गई। एंड देन अगेन वो अपनी ड्यूटी छोड़ कर सिक्योरिटी ड्यूटी वो यहाँ पर आया, और जैसे वो कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो वो अपने दो बंदों के साथ जिनमें एक कांस्टेबल था हमारा अहमद खान जो कि बोर्ड बेसिन थाने का था, जिसका थोड़ा सा पीछे करो सी व्यूज के ऊपर उसकी ड्यूटी शाह अब्दुल्ला शाह गाजी बाजार पर थी, वहाँ से गैर हाजिर होकर वहाँ गया, और उनके साथ एक PC था जाहिद जो कि आप वीडियो देखेंगे तो जो बाइक चला रहा है ब्लू कपड़ों में, और उसके पीछे जो पुलिस वाला बैठा हुआ है उसका नाम है अहमद खान। तो इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया, इन तीनों में से दो को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया है, समरैली उनको डिसमिस किया है क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस इतनी मौजूद है कि जिसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो कराची चीफ हैं एडिशनल IG कराची और DIG साउथ जोन, उनकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि वी शुड कम डाउन हार्ड ऑन दीस बैड एप्पल्स। और जो चौथा बंदा है जैसे मैंने कहा वो वाकई में नहीं था लेकिन ही इज़ अ पार्ट ऑफ देयर गैंग, वो है कुरबान, उसका नाम है, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये हमारे जो हैं तीनों हमारे जो पुलिस वाले थे जो अभी पुलिस में नहीं रहे, ऑल हैव बीन डिसमिस्ड, दे हैव बीन अरेस्टेड। जो कपल था उनको हमने बुलाया और हमने उनकी पूरी बात सुनी, उनको पूरा एतमाद दिया कि ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये चंद एक वाकयात हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट सफर करता है। सो इस तरह के जब वाकयात सामने आते हैं, स्कैंडल सामने आते हैं और उनके खिलाफ जब हम एक्शन लेते हैं तो एक एग्जांपल सेट होती है फॉर द रेस्ट ऑफ द पुलिस फोर्स एज वेल एज फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज।